दुबई में एक हिंदू व्यापारी किरण कारुकोंडा एक ऐसा व्यापारी है जो दुबई में अपना कैरियर बनाकर रह रहा है। बिजनेसमैन है, सीईओ है, लेकिन वो इस्लाम को गाली दे रहा है। भारत में इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कट्टरपंथी जो उसकी छवि है उसे खुलकर परोस रहा, भारत सरकार को सलाह देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, मुसलमानों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, हिजाब को लेकर क्या करना चाहिए, जितने भी इस्लाम को लेकर अभद्र टिप्पणी हो सकती है यह बंदा करता रहा। अब इसके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जांच बिठा दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि दुबई कानून के हिसाब से इस्लाम को अगर वो गाली दे रहे हैं तो इन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विवाद इतना फूल कैसे पकड़ गया। दरअसल दुबई में सेटल्ड यह बिजनेसमैन एक कंपनी का सीईओ है और वहां से बैठकर खा वहीं की रहा है, लेकिन गा कहीं और का रहा है। भारत में रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरल के बरहाल से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन लुटेरों की लूट से महफूज होंगी। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, लेकिन हमारा देश का एक पापी, एक एक कटला, एक लिंडो, एक मूत्र पीने वाला, एक टट्टी खाने वाला, जो दुबई में 7 कंपनियों का मालिक बना, वो स्वामी, पहले स्वामी था, कहते उन्हें कोई आश्रम वाश्रम धोता था, दुबई जाके कारोबार करके वहाँ पे चूरियाँ करके, लूट मार करके, वहाँ पे डकैतियाँ डाल के वहाँ पे 8 कंपनियाँ खोल लिया, मलेशिया में 3 खोल लिया और दुबई में 8 खोला और बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा, सीईओ बन बैठा बड़े कंपनियों का। लेकिन उसका एक ही दिमाग था, एक ही टारगेट था, एक ही हदफ था, किसी तरीके से मुसलमानों को अज़ियतें दी जाए, मुसलमानों को तंग किया जाए, इस्लाम को गाली दी जाए। ये बड़ा नेटवर्क आरएसएस का ये कटला चलाता था, जो वहाँ पे रहकर, दुबई में रहकर, मलेशिया में रहकर बहुत सारा पैसा ये लोगों को, निप्पलों को भेजता था, इन कटलाओं को, ये मूत्र पीने वालों को। और उसका नाम था किरण कारुकोंडा, किरण कारुकोंडा। ये वो कटला है, वो नस्ल हराम है, नुपुर शर्मा का जीजा है। नुपुर शर्मा बोले तो नुपुर 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 समझते ना आप कौन, वो एक गुस्ताख है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नऊज़बिल्ला गुस्ताखी करी थी। वो नापाक लिंडी का जीजा है ये, यानी उसकी छोटी बहन का ठोको है इन्हें, तो इन्हें बिल्कुल अपनी पत्नी माता के साथ, अपनी बेटी माता के साथ, और वहां का दुबई का पासपोर्ट भी मिल चुका है इसको, किस तरीके से लिया वो तो खैर कैंसिल भी कर दिए, वो पासपोर्ट तो खींच लिए उसका भी, उसकी पत्नी माता का भी, और उसके 2 बच्चियां और 1 बच्चा है, उन सारों की जमानतें जब्त हो चुकी है, उधर बिल्कुल कफाला कैंसिल हो चुका है ये लोगों का, और सारे कंपनियां दुबई हुकूमत अपने हाथ में ले लिए। उसकी वजह आप लोगों को बता दूं मैं, इसने वहां पर बैठकर हमेशा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ऐसे गंदी साजिश थी इसकी, जो रंगे हाथ पकड़े गया इसने, टेलीफोनों पे वो लोगों को नसीहतें करते हुए, हिदायत देते हुए, बताते हुए, और जो पैसे ट्रांसफर करा उन सारे चीजों से। खैर इसने सच्चाई कबूल भी ली कि मैंने ये गुनाह
किया हूँ, यानी क्योंकि उधर छूट नहीं बोल सकते, उधर मिर्ची डाल के बम्बू देती है अंदर, और अंदर तक जहाँ तक जाता वहां तक देती है वहां पे दबा के, इसलिए वहां पे छुपाने का या बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन ये कटला वहां से कमाता था, वहां की खाता था, वहां की खा के वहां की पी के, मुसलमान कंट्रियों का और मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन था, क्योंकि इसकी साली भी मालूम है आप लोगों को कितनी बड़ी बहरूपी है, कितनी बड़ी पाखंडी है, गटर की गजा खाने वाली, मूत्र पीने वाली। तो हमको ये देखना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, के धीरे धीरे हल्लो हल्लो ये लोगों का सबका सफाया हो रहा, ये सारे रंगे हाथ पकड़े जा रहे, ये जितने जो गुनाह कर रहे हैं और जितने गुनाह करके छोड़ चुके हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। और ये पहले ही बता दिए थे दुबई हुकूमत को, कतर, कुवैत, बहरेन, के तुम्हारे पास वो सांपे भी पल रहे हैं जो जहर बैठकर भारत के मुसलमानों के लिए पैदा कर रहे हैं, वहां पे छोड़ रहे हैं। इनको जकड़ना और पकड़ना बहुत जरूरी है। ये बहरेन, कुवैत, कतर ने इसको तकरीबन 8 महीने पहले की मीटिंग में बता दिया था, लेकिन ये फिर भी इन्हें क्या है, अपना भला तो सब भला बोल के रहने वाला है। आप लोगों को पता है दुबई की हालत है, लेकिन अब दुबई हुकूमत भी घुटने टेक चुकी है वहां की अवाम के सामने, क्योंकि वहां की अवाम खुले तौर पे कह दिए कि हम इसके लिए कंप्लीटली हुकूमत के भी खिलाफ जाने के लिए तैयार होगा, चाहे जेलों में भरो या गोली मार दो, लेकिन इन पापियों को, इन दरिंदों को, अगर से वहां की हुकूमत, हमारी हुकूमत सजा नहीं दी तो फिर से हुकूमत के खिलाफ ये लोग जाने के लिए तैयार हो गए। उसमें ज्यादातर अक्सरियत बड़े लोगों की है जो 40 साल के ऊपर है, और औरत बच्चियों की है, जो जरूरी भी था कि ये लोगों को किसी तरीके से जकड़ा जाए, इनको पकड़ा जाए, इनकी औकात इनको दिखा दी जाए। ये सारी चीजें होने के बाद अब नुब्बुर नुब्बुर जरबा जो है, जो गटर से बाहर आ गई और हुकूमत से मांग कर रही है कि इसको किसी तरीके से जेल से निकाला जाए, जेल से निकाल के भारत लाया जाए, ये हुकूमत से अपील कर रही है। लेकिन ये लिंडी को क्या मालूम कि वो दुबई की हुकूमत है, वहां पे अरबों के चलती वहां पे, और गुनाह करके बसता नहीं। और हमारे पास अरबों में ये एक चीज है, जो भी इस्लाम के खिलाफ ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको एक ही सजा दी जाती है, रस्सी पर लटकाया जाता है। रस्सी बोले तो समझ गए होंगे आप लोग, रस्सी से लटकाया जाता है। लेकिन इन्हें हाथा पांव मार रही, इसने यहां तक के पेगु मंत्री की कैबिनेट से भी रुजू हुई, इन्हें हर तरीके से उसको छुड़ाने की बात कर रही है, क्योंकि अब इसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। इसके ऊपर वो सेक्शन लगे हैं जहां से इसका बचना नामुमकिन है, इसका नामुमकिन है बचना। और रही बात, इन्हें बच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर जो चीजें आयद किए गए हैं, जो इसके ऊपर जो केसेस है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके साथ के यानी इसके ग्रुप के जितने फ्रेंड थे, जितने दोस्त थे, वो लोगों की तलाश जारी हो चुकी है। अब छापे दबा के पड़ रहे हैं, जितने उसके टेलीफोन डायरी में या टेलीफोन के अंदर से जो नंबर निकले उन सारों से पूछताछ जारी है, उन सारे लोगों के छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा, क्योंकि ये वो आतंकी है, वो जहरीला है, वो जहर बांट रहा था। तो अब इसके जो इसके दोस्त अहबाब होंगे वो लोग भी जाहिर बात है वही काम करते, जाहिर बात है वही काम करते। तो वो लोगों को छापे मार रहे हैं, 7-8 जगह कुछ छापे मारे हैं, ऑफिसों में, घरों में, जो ये लोग फरारी में है, फिर लोग तो छुपे हुए हैं, लेकिन छुपकर भागेंगे का, क्योंकि एयरपोर्ट से तो इनको बंद कर दिया गया, यानी मना खुरूज डाल दिया गया है, यानी नो एग्जिट, यानी एग्जिट नहीं हो सकते वो लोग। और दूसरी चीज, जहां पे जो दुबई के अंदर ही जो पुलिस चौकी होती है, मिलिट्री भी बैठते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स, वहां पे भी ये लोगों के फोटोज के साथ इनके इकामे वगैरह जमा कर दिए गए हैं, ताकि वहां पे अगर से गाड़ी से भी जाए तो जकड़ लिया जाए, पकड़ लिया जाए, दबोच लिया जाए, तो बिनो बचना नामुमकिन है।
क्योंकि इसके पास लोगों में ये शक जाहिर हो रहा, जैसा जिस तरीके से इसके पास पासपोर्ट वहां का था, बड़ा बिजनेसमैन है बोल के, तो इसके साथियां भी वहां का पासपोर्ट रखते होंगे, इसलिए जितने ये पापी हैं, इसके दोस्त अहबाब है और इसके जानने वाले है, उन सारों के ये नंबरों के साथ उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल कर जमा कर चुके हैं। जहां पे भी चेकिंग होती है, जहां पे से गाड़ी भी गुजरती है, गाड़ी से भी जाते हैं, चेक पोस्ट जो होता है वहां पे ये लोगों का डाल चुके हैं। तो बचना नामुमकिन है। हर पापी, हर दरिंदा जो भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था, उसके साथ यही होगा। अब कोई दरिंदा नहीं बच सकता, कोई पापी नहीं बच सकता, सबका अंत यकीनी है और सबका अंत बहुत करीब है इंशाल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है, ऐसे आतंकी और पापियों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला, हमारे देश से भी और बाहर के ममालिक से भी। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग चूल्हा ओढ़ के बैठे थे, अब चूल्हा निकाला जा रहा है, इनको चुल्ली पहनाई जा रही है इनको, तो बराबर ये तो होना ही था। हर चीज़ का एक वक्त होता है कि अब इनका अंत करीबी है और इनका पाप का घड़ा भर चुका है जो अब फूट रहा है। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।